Hey guys, welcome back to our channel. This is Rajan. This is Jasmine. And here we are with another video. So guys, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नोवा स्कोशिया के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत ही सारे मिथ्स हैं और लोग इसके बारे में बहुत ही डिफरेंट बातें सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा डाउट्स होते हैं. आज हम वो सभी क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि असली बात क्या है. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज. सुहाना सफर और सम्मा के मिलना नोवा स्कोशिया में ही. सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग नोवा स्कोशिया के वेदर के बारे में क्या सोचते हैं और उसकी रियलिटी क्या है. क्या आपको इंडियन कम्युनिटी मिलती है नोवा स्कोशिया में? क्या नोवा स्कोशिया में इंडियन फूड मिलता है? क्या नोवा स्कोशिया में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं? और क्या नोवा स्कोशिया में रेसिज्म है कि नहीं? तो इस सभी बातों को हम बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं और उसकी रियलिटी क्या है. लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस. सो गाइस, सबसे पहला मिथ जो कि नोवा स्कोशिया के वेदर के बारे में है, हम उसकी रियलिटी बताते हैं अब आपको. गाइस, नोवा स्कोशिया के वेदर के बारे में ये सोचा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्नो पड़ती है, विंटर्स में बाहर नहीं निकला जाता. Oh, you guys are living in Nova Scotia. How you are dealing with the snow and the winters? So guys, ऐसा कुछ नहीं है. Nova Scotia का weather summer में 14 degree Celsius to 24 degree Celsius तक जाता है और winter में -9 degree Celsius to 0 degree Celsius. Feels like is different, but this is the average temperature in Nova Scotia. लोग सोचते हैं कि हो यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, आप नोवा स्कोशिया में कैसे रहते हो? हाँ, एक हिस्ट्री में वाइट युआन जो कि फरवरी 2004 में हुआ था कि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई थी कि जो रोड्स पे स्टोव्स एंड होते हैं वो तक छुप गए थे. बट दिस इज़ हिस्ट्री और दिस इज़ हैपन ओनली वंस, कि एक ही बार हुआ था गाइज वो. मतलब और आई थिंक वो परसेप्शन को लेके लोग ये सोचते हैं कि नोवा स्कोशिया का वेदर बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है या फिर ऐसे. ऐसा कुछ नहीं है गाइज, नोवा स्कोशिया का वेदर ओंटारियो या वैंकूवर से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है. वी लव हेयर, लाइक वी लव द वेदर ऑफ नोवा स्कोशिया गाइज. सो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ का. एक मिनट गाइज. सो अगर आप नोवा स्कोशिया के स्नो के बारे में या नोवा स्कोशिया के विंटर के बारे में जानना चाहते हो तो हमने पुराने कुछ व्लॉग्स नोवा स्कोशिया के स्नो स्टॉर्म के ऊपर डाले हुए हैं. आप वो चेक कर सकते हो जाके और आपको आइडिया मिल जाएगा कि नोवा स्कोशिया का विंटर या स्नो स्टॉर्म कैसे होते हैं. सो गाइस, बहुत ही कॉमन मिथ रहता है कि नोवा स्कोशिया आप मूव हो रहे हैं, क्या वहां पे इंडियन कम्युनिटी है? हम तो अपनी कम्युनिटी में जाना चाहते हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी हो, जो कि ब्रैम्पटन वैंकूवर को बिलीव किया गया है कि वो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मिलेगी. बट इट्स रॉन्ग. अभी नोवा स्कोशिया में आपको इवन एवरी ग्रॉसरी स्टोर, इवन एवरी पार्क, आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई ना कोई अपना कम्युनिटी का पर्सन मिल ही जाएगा. जब हम मूव हुए थे तो हमने मतलब कुछ कुछ लोग हमें दिखते थे, बट नाउ इन आर लोकेलिटी हमने वहाँ पे हमारा जो पार्क है उसके अंदर हमें लाइक जब हम अपने काम से घर आ रहे होते हैं तो वो पार्क फुल ऑफ इंडियन पीपल होता है. सो इट्स अ मिथ. कि इस बात को मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ गाइज. तो जैसे कि जैस्मिन आपको बता रहे थे कि इंडियन कम्युनिटी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पे अभी एक नया गुरुद्वारा बिल्ड हुआ है, एक नया मंदिर बिल्ड हुआ है. इसका मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो कर रही है और ये बहुत ही अच्छा है. हम Saturday, Sunday, we just go to Gurdwara and meet our people and feel like a home, guys. बहुत ही अच्छी बात है, इंडियन कम्युनिटी ग्रो कर रही है और जब हम अपने पीपल को मिलते हैं गाइज, लाइक वी फील लाइक अ होम एज आई मैंशन बिफोर. सो दिस इज अ मिथ दैट इंडियन कम्युनिटी इज ओनली यू कैन फाइंड इंडियन कम्युनिटी ओनली इन ब्रैम्पटन, वैंकूवर और कैलगरी. यहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी है और ये बहुत ही तगड़ा मिथ है गाइज. सो गाइज, अभी हम आप अगला मिथ बताएंगे और थोड़ा लोकेशन थोड़ी बोरिंग हो गई है. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन एंड टेल यू द नेक्स्ट मिथ अबाउट नोवा स्कोशिया. कौन सा फ्लावर है ये गाइज?
फ्लावर का तो नहीं पता, बट बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है और इट्स अ नाइस बैकग्राउंड। सो अभी हम अपना नेक्स्ट मिथ के ऊपर चलते हैं गाइस। सो अगला मिथ जो कि बहुत कॉमन रहता है कि इंडियन फूड वहाँ पे MDH के मसाले अवेलेबल हैं, वहाँ पे आलू भुजिया अवेलेबल है, वहाँ पे लेस का पैकेट अवेलेबल है। आप नाम लो, हर चीज़ अवेलेबल होती है। जब मूव हो रहे थे हम नोवा स्कॉशिया में, तो वी वर थिंकिंग कि यार कुछ ब्रैम्पटन से मसाले ले जाए, पता नहीं नोवा स्कॉशिया में मिलने हैं कि नहीं मिलने। और मतलब कि ऑल दो हमने पूरी रिसर्च की थी कि ग्रॉसरी स्टोर वहाँ पे हैं, बट जैसे ही हम मूव हुए हमारे आसपास की लोकेलिटी में ही मोर देन 4 इंडियन ग्रॉसरी स्टोर हैं। इवन मैंने वो मसाले इंडिया में भी नहीं सुने जो कि ग्रॉसरी जो यहाँ की ग्रॉसरी स्टोर में मेरे को दिख जाते हैं। और समटाइम ऐसे होता है कि मतलब इंडियन यूटेंसिल्स पड़े होते हैं, कभी कुकर कभी फ्राई पैन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ये मिथ बना हुआ है कि यार नोवा स्कॉशिया में तो ग्रॉसरी स्टोर ही नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे नियर बाय जो सिटी है वहाँ पे ही बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर हैं। इवन मैं आपको बता रही हूँ जहाँ हम रहते हैं मोर देन 4 ग्रॉसरी स्टोर हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है यार उस वाले में जाएँ या इस वाले में जाएँ। सो डोंट वरी इफ यू आर मूविंग टू नोवा स्कॉशिया, तो इस चीज़ को मत सोचें कि वहाँ पे यार हमारे टाइप का खाना मिलेगा या नहीं। गुजराती जो कि बहुत लाइक करते हैं, पोहा थेपला एवरीथिंग अवेलेबल इन नोवा स्कॉशिया। सो इफ यू आर प्लानिंग आ जाओ बस। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या नोवा स्कॉशिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं? क्या सभी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन में ही हैं या कैलगरी में ही है या वैंकूवर में ही है? ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन या मिथ होता है क्वेश्चन लोगों के दिमाग में कि यार वहाँ पे तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मोर देन 4 or 5 रेस्टोरेंट्स तो वहीं पे हैं, और हैलिफैक्स इज अ डिफरेंट लाइक अ क्लोजर सिटी टू अस, और वहाँ पे भी मोर देन 5 to 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, और वहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिलेगा गाइस। अगर आप साउथ इंडियन हो या फिर आप गुजरात से हो, हर तरह का फूड मिलेगा और इंडियन फूड से आप टच में रहोगे। यू विल नॉट मिस अ सिंगल टेस्ट और अ सिंगल मसाला फ्रॉम इंडिया गाइस। सो डोंट वरी, दिस इज अ मिथ, देयर आर सो मैनी इंडियन रेस्टोरेंट्स इन नोवा स्कोशिया गाइस। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना, नोवा स्कोशिया में ही। सो गाइस क्या नोवा स्कोशिया में रेसिज्म है? क्या नोवा स्कोशिया में आपको कोई हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? तो रेसिज्म हर जगह होता है गाइस, बट वी हैव नॉट काउंटर विद एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट इन नोवा स्कोशिया। वी हैव लाइक सम काउंटर्स लाइक और सम इंसिडेंट इन ओंटारियो, बट नॉट इन नोवा स्कोशिया। सो गाइस नोवा स्कोशिया के लोग, नोवा स्कोशिया के पीपल, नोवा स्कोशियंस आर सो जेनरस, सो फ्रेंडली, एंड लाइक आप कहीं पे भी वॉक कर रहे हो उनको एंड दे विल से हाई टू यू एंड लाइक विश यू। सो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि रेसिज्म है यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो देर इज नो रेसिज्म इन नोवा स्कोशिया। यू आर ऑल्सो एग्री विद दिस वन? ओके, सो नो रेसिज्म, दिस इज ऑल्सो मिथ। Thank you for watching this video guys. If you like this video, please do comment and subscribe to the channel. That will motivate us and we will come out with more and interesting videos in future guys. Thank you so much and take care guys.